हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कुछ इस टाइप का जो दिवाली का वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। आप भी इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहें, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस कॉपीराइट से मैंने वीडियो थोड़ा सा म्यूट कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलर्ट मोशन ओपन कर लेना है। एलर्ट मोशन ओपन होने के वक्त आ जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको देख रहे हो दिवाली प्रेसल बिडमर का जो प्रेसल यहाँ है, आपको ये वाला प्रेसल अपने एलर्ट मोशन से इनपुट कर लेना है। प्रेसेंटली कैसे इनपुट करता है नहीं पता था, ऑलरेडी वो वाला टॉपिक का वीडियो बना कर रख लिया, आप चाहते हो वो वाला वीडियो देख सकते हो। पहले आपको क्या करना है, दिवाली प्रेसल वीडियो जो बिडमर है आपको ओपन कर लेना है। इसी तरह आपको ओपन करने के बाद आपको आगे मिल जाएगा, देखो कमिंग सून का यहाँ आपको टैक्स वगैरह जो आपको फोन वगैरह आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे चले आना है, ये वाला आपको छोड़ देना है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, छोड़ देना है, फिर से आपको आगे चले आना है। यहाँ जो आपको फोटो देखकर मिल जाएगा, ओके यहाँ से देखो इमेज लिखा होगा मिल जाएगा आपको टाटा स्क्रीन सुशांत। इस ब्लू कलर पर आपको क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, पीएनजी में जाना है। पीएनजी में जाकर आपको अपना फोटो जो है आपको सेलेक्ट करना है। चलो फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप फोटो को सेलेक्ट करना, प्लस में टैप कर ले, देखो फोटो यहाँ पर ऐड हो गया। फिर से आपको कलर फिल में जाना, पीएनजी में जाना, और सेम प्रोसेस आपको कर लेना, जो फोटो आप बनाना चाहते हो वो वाला फोटो इस तरह आपको ऐड कर लेना। देखो यहाँ पर भी फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह आपको फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको जो 3D वाला इफेक्ट है आपको क्या करना है, ग्रुप को आपको एडिट ग्रुप कर लेना है, और पहले वाला ग्रुप को आपको एडिट कर लेना है। ओके, इमेज को लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इमेज को क्लिक करना है, कलरफुल में जाना, पीएनजी में जाना है, और यहाँ आपको जो फोटो से आप बनाना चाहते हो वो वाला फोटो भी इस तरह ऐड कर लेना है। ओके, प्लस में टैप कर लिया, फिर से आपको बैग लेना है और ग्रुप टू को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज में क्लिक करके कलरफुल में जाना, पीएनजी में जाना है, और आपको सेम फोटो आपको प्लस में टैप करके सेम फोटो ऐड कर लेना है। फिर से आपको बैग लेना है। ओके, बैग आने के बाद आपको देखो स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर से आपको आगे थोड़ा चले जाना है, देखो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह आपको फोटो ऐड कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको मिल जाएगा नीचे इमेज, आपको इमेज क्लिक करना है, कलरफुल में जाना, पेंजी में जाना है, और इसी तरह आपको जो भी फोटो है आपको दिवाली का फोटो आपको इस तरह प्लस में टैप करके दिवाली का फोटो ऐड कर लेना है। ओके, फिर से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आगे चले जाना है, यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप थ्री आपको नीचे वाला ग्रुप जो इमेज लिखा है आपको क्लिक करना है, इमेज पर जाना है, और जो भी फोटो आपको इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हो दिवाली का आपको इस तरह प्लस में टैप करके ऐड कर लेना है। ओके, इस तरह करने के बाद आपको फिर से आपको ग्रुप जो आपको 3 एडिट कर लेना है, और यहाँ आपको इमेज लिखा हुआ मिल जाएगा, इमेज क्लिक करना है। ओके, इस तरह आपको कलरफुल में जाना, पेंजी में जाना है, और यहाँ भी आपको जो फोटो आप बनाना चाहते हो इस वाला फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो ये वाला फोटो ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से अभी छोटा वाला जो इमेज है आपको क्लिक करना है, और कलरफुल में जाना, पेंजी में जाना है, और जो फोटो आपको इस तरह ऐड करना था ऐड कर सकते हो। ओके, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको बैग लेना है, फिर से आपको आगे चल लेना है। इसी प्रकार से आपको जितना ही फोटो है, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो इमेज लिखा हुआ मिल जाएगा इतना, देखो ग्रुप तो एडिट हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखो इमेज यहाँ पर लिखा है, इमेज को क्लिक करना है, कलरफुल में जाना, पेंजी में जाना। ओके, इसी तरह आपको जितना भी इमेज कलरफुल में जाकर आपको चेंज कर लेना। देखो ये वाला फोटो ऐड कर लिया, यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। फिर से आपको आगे चले जाना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, कलरफुल में जाना, पेंजी में जाना है, और जो भी फोटो आपको दिवाली का बनाना चाहते हो वो वाला फोटो आप दे सकते हो। तो चलो ये वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, इस तरह का फोटो यहाँ पर भी ऐड हो गया। ओके, इसी तरह आपको सेम प्रोसेस सारे फोटो यहाँ पर देख रहे हो जितने भी, आपको कलरफुल में जाना, पेंजी में जाकर आपको ऐड कर लेना। ओके, सारे फोटो ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर देना। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।